नेक्स्ट okay, क्वेश्चन uh, ये बोल रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच दो एग्जाम्पल देने मतलब दो इसके ऑक्सीडेशन uh, के दो और रिडक्शन के दो तो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे ठीक है पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन To a substance is called oxidation, right? इसके अभी example देते हैं example one of oxidation. तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो है कॉपर का एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉपर के रिएक्शन में क्या होता है ना फर्स्ट एग्जाम्पल सी यू प्लस ओ टू गिव सी यू सही है ये टू ऐड कर लेते हैं ये तो काम कर लेते हैं यार ये मैं लिख लेता हूं कैसा नीचे स्टेटमेंट के फॉर्म में फिर मैं आंसर लिख पाऊंगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड ये हो गया आपका रिएक्शन इसको टू लिख देते हैं सामने तो ये बैलेंस हो जाता है ना ओके okay, ये बैलेंस हो गया सो दिस इज अवर रिएक्शन अब इसमें कौन ऑक्सीजन हो मतलब ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है वो भी लिख लेते हैं इन द अब एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज बींग एडेड टू कॉपर हेंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड है ना? किसका ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का हुआ है. अब एग्जाम्पल टू ओके एग्जाम्पल टू में देखो आ, इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कॉपर और ऑक्सीजन का नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन का है ना कार्बन कॉपर ऑक्सीजन का तो ऊपर ही कर लिया ना तो कार्बन और ऑक्सीजन का करते हैं तो दिस विल गिव यू अपना फेवरेट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग दोनों तरफ से सो दैट इज टू टू बैलेंस करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी बैलेंस राइट अब नीचे लिखेंगे किसका हुआ मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ किसका नहीं इन रिएक्शन ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू कार्बन हेंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड सही है अगर आप लिखना चाहते हैं तो डिटेल भी यहां पे लिख सकते हैं इन ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू कॉपर कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज राइट कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यहां पे हमने क्लियरली मैंशन किया है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज हेंस ओके और यहाँ पर भी सेम हम लोग ऐड करेंगे क्लियर कट लिखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है हालांकि लिखा है हमने जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या लिख रहे हैं क्लियर कट लिख रहे हैं कि कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज अभी इसका रिएक्शन भी लिख दिए नाउ लेटे टॉक अबाउट रिडक्शन रिडक्शन मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ रिडक्शन एक तो ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐसा भी चलता है लेकिन इन्होंने कैसा बोला है ना गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में डेफिनेशन देना है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोल पाएंगे हम लोग हमको क्या बोलना पड़ेगा रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अरे एक मिनट ना ये वर्ड यूज करते हैं देट विल बी मोर बेटर एडिशन की जगह पर क्या लिखते हैं गेन लिखते हैं हालांकि एडिशन इज ऑल्सो ओके एडिशन भी सेम ही है लेकिन कैसा क्वेश्चन के जो की हैं वो लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा रिमूवल लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन सही है अब एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल वन लिखते हैं यहां पर करेक्ट और फिर बाद में एग्जाम्पल टू भी लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल वन में डिटेल्स लिख दो यहाँ पे वट यू राइटर्स जो इसका है uh, एक कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर राइटिंग डाउन कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन को एड कर लेते हैं दैट विल गिव अस कॉपर अलग निकल जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बना लेंगे एच टू है ना तो यहां पर किससे ऑक्सीजन रिमूव किया है इन द अबव एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज बींग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड अंडरगोस रिडक्शन एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज बिंग रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड हैंपर ऑक्साइड गोज रिडक्शन अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल में लेटस यूज एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू गिवज यू एफ एंड एच टू ओ अगर आपको बैलेंस करना है तो आप कर सकते हैं इसको अभी यहां पर किसके पास ऑक्सीजन था आयन के पास अब वो रिमूव कर दिया गया है तो किसका रिडक्शन हुआ फिर आयन का एफ ई थ्री ओ फोर का तो वो लिखते हैं हम लोग यहां पर इन दी अबव एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज बींग रिमूव्ड फ्रॉम आयन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड अंडरगोस रिडक्शन उसका रिडक्शन होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट इज फुल आंसर हमने क्या किया है पहले डेफिनेशन दिया है दोनों का और उसके बाद दोनों के लिए दो दो एग्जाम्पल भी दिए हैं और डेफिनेशन प्लीज ध्यान में रखो यहाँ पर रिडक्शन का डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन इवन दो दैट इज द डेफिनेशन बट दे हैव वास्टेट इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो उसी फॉर्म में होना चाहिए